ਫੜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਮੁਸਕਰਾਏ ਸਰ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਦੇਸੀ ਕੁਕੜੀ ਦੇ ਪੰਜੇ ਰਗਾ ਤੇ ਮੂੰਹੇ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਸੀ ਕੁਕੜੀ ਕੰਗੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜੇ ਕੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੰਗੀ ਆ ਕੱਟ ਬੁਰਸ਼ ਥਲੋ ਉਹ ਬੁਰਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖੋ ਬੂਟਾ ਵਾਲਾ ਬੁਰਸ਼ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज दिखी अल मशहूर ससुरार। नाज़रीन मैं कोई रेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं वैसे ही ज़रा मेरी कमर में बल पड़ गया है इसलिए मैं थोड़ा सा टेक ले रहा हूं। लेकिन टेक लेने से ये अंदाज़ा हो रहा है कि हर बंदा ही टेक ले रहा है, हर बंदा सहारा ढूंढने की कोशिश करता है। मरियम नवाज़ साहिबा फरमाती हैं कि जो उस बंदे से डरना चाहिए जो सारे फैसले रब पर छोड़ देता है। मैं भी ये मेरा भी यही मानना है कि उस बंदे से वाकई डरना चाहिए जो सारे फैसले रब पर छोड़ देता है, क्योंकि रब से अच्छा फैसला तो कोई भी नहीं कर सकता। हमारी अदलिया जो है वो नीट एंड क्लीन है, ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारी अदालतें जो हैं वो साफ शफाफ अदालतें हैं, हमारे जजेस साफ और शफाफ हैं। जिस पर फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि नून लीग को जो है ना अदालतों से खेलना आता है, मेरे साथ रहिए, लोगों से बात करते हैं कि मरियम नवाज ठीक कह रही हैं, फवाद चौधरी साहब ठीक कह रहे हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, मेरे नाल रहो। पान जिन्हें मर्जी खा लो, बुल उंजदे उंजी रहने ने। हां जी हां जी हां जी हां जी, अल्लाह दी रहमत लै नहीं लाल होण लगे, ठीक हो गया। हां क्योंकि काले ही इन्ने कर लेने तुसी। हां जी हां जी, सिगरेट पी पी के ने चुल्ले चुम चुम के। ये सियासतदान क्यों ऐसा करते हैं? नुकसान हमारा हो रहा है। वाह वाह, सही बात हुई है ना, बिल्कुल। इनका क्या जा रहा है? कुछ भी नहीं। आप समझते हैं ना हमारी अदालतें नीट एंड क्लीन है? इंशाल्लाह वो हमेशा नीट एंड क्लीन रही है। इसी तरह कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। फड़ो मैं तुम्हारी लत्तां घुटनी है। मैं 200 रुपया चाहिए अल्लाह की कसम, मैं तुम्हें कुटांगा तुम्हारी मेहरबानी। माशाल्लाह मुस्कुराए सर, मुस्कुरा रहे हैं। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। नहीं थोड़ा सा मुस्कुराएं जरा। जी सर हुक्म करें, जरा मुस्कुराएं जरा। टेंशन तो नहीं है ना कोई? सर टेंशन ही इमरान दी हुई क्या है ये? सर नाम क्या आपका? अब्दुल वकार नाम है मेरा। अब्दुल वकार, तो वकार है कि नहीं मार्केट च ताड़ा कोई? नहीं गा। तो इनको लोगों को सियासतदानों को कुछ पैगाम देना कि भैया ऐसा मत करो। मैं यही पैगाम दूंगा। क्या? इमरान साहब छुट्टी करें। हाँ इमरान खान साहब छुट्टी करें, बस। अब बिल्कुल सही गल है, एतवार भी करेगा। ये मरियम नवाज साहबा को क्या पैगाम देंगे आपके? मरियम नवाज साहबा थोड़ा सा हाथ धोला रखें और ऐसी बातें ना करें। वो जो सही कर रही है, जो कर रही है वो कर रही है, सही कर रही है हमारे के लिए। कभी फलां कर देते हैं, कभी फलां कर देते हैं जी। ऐसा सियासतदानों को करना चाहिए? नहीं, अदलिया की तोहीन तो नहीं होनी चाहिए, अदालतों की तोहीन तो नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्या कहते हो फिर सियासतदानों को? नहीं करना चाहिए ऐसे उनको, बिल्कुल सही। अगर कोई उनके ऊपर जो इल्जाम है अदालतों की तरफ से, उनको फेस करना चाहिए अगर वो सच्चे हैं तो। बिल्कुल सही बात है, उनको फेस करना चाहिए ना कि अदालतों पे कोई इल्जाम लगाएं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो घर कदो जाना जी हूँ? बस चलें हैं वाकर लाके 2 मिनट ठहर के। मैं कह शायद कोई आएगा चुकन ली थानू इतों। नहीं नहीं वो बंदा है मेरे नाल, मैंने टुर के बहा दो, मैंने समझ नहीं लग रही टुरना। अच्छा चलते ने, मैं समझा कोई बैठ नहीं। ऐसे मामला होने चाहिए, ये सियासतदानों को इस तरह अदालतों को रगड़ना चाहिए या तोहीन करनी चाहिए अदालतों की? नहीं अदालतों की तोहीन तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो है ना क्या नाम है उसको, अंदर जो नज़रअंदाज जो करते हैं ना लोग, जो लोग उनको सामने लाना चाहिए। अदालत थोड़ा नहीं होता जज कहने आर्डर आर्डर आर्डर। हाँ जी उधर के लग रहे हो तुसी। अच्छा साइकिल दे हैंडल लगा मुंह कर ले, बिल्कुल ही करिए जैसी कुकड़ी दे पंजे रगा तो मुंह तेरा कोई नहीं पाड़ी जैसी कुकड़ी। ये बीच में अदलिया क्यों को रगड़ते हैं? ये रब जानता है कि ये क्या कर रहे हैं। ये गरीबों के लिए ना बहुत मसला पड़ गया हुआ है, मसला पड़ गया, ठीक है। ये ना कई देखते हैं गरीब बंदे पहले खा के सोते थे, अब नहीं खाते, टेंशन की वजह से बीमार वगैरह हो रहे हैं। आपका गला ठीक कर दूंगा, आप जिस तरह बोलेंगे ना रवा होना शुरू हो जाएगा। ओ यार इतना भी ना खांगे खुदा। सियासतदानों को भी इकट्ठे होना चाहिए, अवाम का सोचना चाहिए। ये अदलिया हमारी इतनी नीट एंड क्लीन है, काबिले एहतराम अदलिया होती है, और ये झूठे सच्चे इल्जाम लगाते हैं, ये झूठ शर्म आनी चाहिए। सारे झूठ करते हैं सब, हम लोगों को पागल किया हुआ, पागल किया हुआ है। असल बात ये है, ये अंदर खान में एक ही है। अंदर वाला खाना कड़ा होता है, मैं अज तक नहीं पता लगे ना, तो पता लगे सर, पता लगे। सर कैसे हैं आप? ठीक है शुक्र अल्लाह का। हैं वेह लेना, क्या बात है, वाह वाह।
नहीं एंजी ठीक है चोरी कर दे इनको ऐसा करना चाहिए इन सियासतदानों को नहीं करना चाहिए बिल्कुल नहीं अदालतों का एक अपना एहतराम है अदालतों का हाँ इनका एक अपना मकाम है बिल्कुल सही इसलिए उनको अलग रखना चाहिए उनको अलग रखना चाहिए अपनी सियासत को अलग रखना चाहिए ठीक है ना वहाँ जाके तो हमने देखना हमने इंसाफ तो मांगना ही वहाँ जाकर बिल्कुल वहीं से इंसाफ मिलना है वहीं से इंसाफ मिलना है बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं गल सुनो इंसाफ तो उतो मिलना है जे तो खंघ का सिर तुम स्टोर तो मिलना है नहीं जनाब असं वैसे ही खड़े हेलो जो जिस तरह दिल करे कर लीजिए जिस तरह दिल करे कर लीजिए अपने हाथ ने बिल्कुल जिधर मर्जी लैके भावे किसी की जेब वाल लैके भावे हाथ लै सियासतदानों को ऐसा करना चाहिए नहीं और मरियम नवाज को ये मरियम नवाज करी जी तो फैसले रब से छोड़ देते हैं तो फलाना हो गया तो ये हो गया तो फिर लाइन च लगे और फवाद चौधरी साहब कह रहे जी इन्होंने अदालत ने बड़ा खेलना आंदा है वो ड्रामा है ना सारा ड्रामा ड्रामा लाइन च लाया लगे आओ बस अगे अगे बस अगे अगे लगे आओ क्योंकि अदालत जो है ना वो हमारे लिए काबिल एहतराम है बेशक बिल्कुल सही गल है तो एक हाथ जेब च रख दो एक बार रख दो मैं एक नु ठंड एक नु गरम क्या बात है अच्छा मेनू लग रहा सी कि मास्क दे थल्ले कोई गंदा बंदा ही है हां लो दसो अपने भरा नु नहीं पहचानया को रगड़ रहे होते हैं अजीबो गरीब तोहीन कर रहे होते हैं अदालत की मैं ऐसा कोई चक्कर नहीं है दोनों एक ही हैं वकील ही एमएनए एमपीए बनते हैं बिल्कुल सही है बनते वकील ही जज बनते हैं बिल्कुल बिल्कुल तो ये सारी एक ही बरादरी है हां ये अमाम में सब एक ही हैं कटिंग भी अपनी वजीर वाली कर रहे हो किधर अमीर हो जा नहीं असि अल्लाह की रहमत अमीर ही है लेकिन इमरान खान ने अमीर नहीं रहन दिता भाजी महंगाई बड़ी हो गई है गरीब नहीं रहन दिता क्या हमें अदालतों की तोहीन करनी चाहिए बिल्कुल नहीं करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए नहीं करनी अदालतों का एहतराम करना चाहिए बिल्कुल जी उनका तो फैसला मानना चाहिए जो कुछ भी हो रहा है हम आवाम है हमारे फैसले तो अदालत ही करेगी हाँ जी बिल्कुल जी तो आप चाहते हैं ये सियासतदान एक दफा आन कटहरे बिल्कुल जी जरूर आए बस मस्किया जाना चाहता है कि अब आपके चेहरे पे हंसी आ जाए आपके आंसू चुरा लिए जाएं आपके गम भुला दिए जाएं हमेशा हंसते रहें मुस्कुराते रहें हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें कभी किसी की दिल आजारी मत कीजिएगा इज्जत दें इज्जत लें मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें मस्किया जैनों को सब्सक्राइब करते रहें लाइक करते रहें कमेंट करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा क्योंकि ससुरा आपके साथ है क्योंकि ससुरा आपके साथ है साथ है आए हाफिज़।